आप ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर स्मृति चौधरी का जो स्थानांतरण हुआ वो एक राजनीति से प्रेरित है और व्यवस्थापूर्ण किया गया अर्धन्यता है, क्योंकि इस प्रकरण को लेकर इनका ट्रांसफर हुआ बिल्कुल निर्दोष है। चिकित्सकों की नियुक्ति व डॉक्टर श्रुति का तबादला निरस्त कराने की मांग, शहर के विभिन्न संगठनों ने धरना देकर आंदोलन का किया आगाज। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में 20 रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने व गायनिक डॉक्टर श्रुति चौधरी का स्थानांतरण निरस्त कराने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर के बाहर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन का आगाज किया गया। हिंदू क्रांति सेना के देवेंद्र जटिया, सूरज मेघवंशी, भंवरलाल भंडेला, राधेश्याम भट्ट ने धरना देकर आंदोलन की शुरुआत की। ब्यावर जन अधिकार मंच के संचालक सामाजिक कार्यकर्ता गजराज आचार्य ने बताया कि मदर चाइल्ड विंग के गायनिक विभाग की डॉक्टर श्रुति चौधरी का स्थानांतरण ब्यावर से मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में किया गया है, जो कि दोषपूर्ण भ्रामक सूचनाओं व द्वेषतापूर्वक कुछ लोगों की साजिश के तहत करवाया गया है। इससे शहर व ग्रामीण क्षेत्र की जनता में असंतोष व्याप्त हो गया है। जब तक डॉक्टर श्रुति का तबादला निरस्त नहीं किया जाता और 20 रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आप ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर स्मृति चौधरी का जो स्थानांतरण हुआ वो एक राजनीति से प्रेरित है और व्यवस्थापूर्ण किया गया अर्धन्यता है, क्योंकि इस प्रकरण को लेकर इनका ट्रांसफर हुआ बिल्कुल निर्दोष है और दोषी है तो फिर अन्य कार्रवाई क्यों नहीं। यह हमारा निवेदन है सरकार से कि वो पुनः विचार करें और हमारी जनता की मांग है, हमको राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हम धरना इसलिए दे रहे हैं कि जो ट्रांसफर हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और 20 अन्य डॉक्टरों को भी यहाँ पे जो रिक्त पद है वहाँ नियुक्ति की जाए। हमारे डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे और हमारी जो बहन बेटियों को सुरक्षित परसों हो रहा था, रेफरल कम हो रहे थे, वो श्रुति चौधरी के आने के बाद से ये अच्छी स्थिति और सुधार हुआ है हॉस्पिटल में, उसको सुधार जारी रहना चाहिए। अनिश्चितकालीन है या सरकार चाहे जब तक है, सरकार आज ही हमें ये हमारी मांग पूरी कर दे हम हटा लेंगे।